वेलकम बैक टू माय चैनल मिंग्स व्लॉग और मैं हूँ मीनाक्षी और आज है सैटरडे। हम जा रहे हैं नेशनल साइंस म्यूजियम। वैसे पहले भी मैं वहाँ पे जा चुकी हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है और बच्चों के लिए तो मतलब ऑसम जगह है वो, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं। वैसे भी खैर मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे स्कूल टाइम में ही गई थी। एनीवेज अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ का पूरा आपको एक्सप्लोर करेंगे हम वहाँ की जगह और देखते हैं वहाँ पे हम क्या क्या एक्टिविटीज कर पाते हैं और क्या होता है क्या नहीं। आप बने रहिएगा मेरे चैनल पे। यानी नेशनल साइंस म्यूजियम में बचपन में तो हम यहाँ बहुत आए हैं, लेकिन अब बड़े होने के बाद आई हूँ यहाँ पे तो एक्सप्लोर करती हूँ कि क्या चीज़ बदली है और क्या चीज़ नहीं। तो बने रहिएगा वीडियो में और चलते हैं ऊपर और एक्सप्लोर करते हैं कैसा है क्या है सब, कितना कुछ बदला और कितना कुछ वही सेम है। तो चलिए मेरे साथ। मैं 9th क्लास में आई थी फर्स्ट टाइम यहाँ पे, तब भी ऐसा ही था और आज भी। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। ज्वेलरीज हैं और पोर्ट्स हैं, ये बीट्स है उस टाइम की। सबसे ज़्यादा बेहतरीन थी। ये है एंशियंट इंडियन लेबोरेटरी। तो पुराने टाइम में किस तरीके से सब चीज़ें चलती आ रही हैं हमारे देश में, इतना ज़्यादा रिच था हमारा कल्चर। तो ये बहुत ही पुराने टाइम में जो भी चीज़ें थी सब चीज़ों के बारे में इसमें दिखाया गया है और आप भी जरूर आके यहाँ पे विजिट कीजिएगा। ये मेडिकल मेडिसिन मेडिकेशन जो भी होती थी, किस तरीके से आयुर्वेदा को किया जाता था प्रमोट, वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं और आप भी यहाँ पे आके जरूर इन चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिएगा। नॉलेज में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। एरोमेटिक परफ्यूम्स, तो जो परफ्यूम्स की जो टेक्निक है ना वो इंडिया में कोई आज से नहीं है या कोई बाहर से नहीं आई है, बहुत पुराने टाइम से यहाँ पे डेवलप है। तो यहाँ पे आके आप देख सकते हो अपने खुद के कल्चर के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो। तो ये बस उसी के बारे में।
तो यहाँ पे हम इसे ट्राई करते हैं इस एक्टिविटी को। फेल हो गई, दोबारा ट्राई करते हैं। दिमाग की खेल अभी नहीं खेलना। पर यहाँ पे हम जैसे चलाएंगे तो ये स्केलेटन भी वैसे ही मूव करेगा, बट आई थिंक ये ख़राब है अभी तो ये सिर्फ चल नहीं रहा है, तो इसलिए करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया। इंटरेस्ट है साइंस में तो आपके लिए तो बहुत ही बेहतरीन जगह होने वाली है ये वाली, तो अगर आप साइंस स्टूडेंट है उसमें ज़रा सा भी आपको इंटरेस्ट है तो यहाँ पे आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। हर चीज़ की टेक्निक, छोटी बड़ी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो चलो कोरिला से मिल करते हैं। यहाँ पे ना लगेगा थोड़ा सा डर लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब चलिए मेरे साथ दिखाती हूँ आपको नीचे कितना ज़्यादा। मैं यहाँ पे एक्चुअल में जब छोटी होती थी ना तो मुझे हर चीज़ से ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग यही वाला सेक्शन लगता था, और अभी हम चल रहे हैं दोबारा से उसी सेक्शन और वॉइस इफेक्ट पहले यहाँ पे उस तरीके से नहीं होता था, तो आइए देखते हैं। डरावने लग रहे हैं भाई बॉल, मतलब ये उस टाइम तो और भी ज़्यादा बड़े होते हैं, सिर्फ मॉडल है और बहुत साइज़ में छोटे हैं एक्चुअल साइज में। उस वक्त यार कितने ज़्यादा ये कैसा टाइम रहा होगा ना, होगी वेजिटेरियन वाला ये अच्छे वाला होता था उस वक्त, पर ये अभी फिलहाल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये भी बहुत चेंज हो गया है, पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, ये सब पहले तो नहीं था बट बहुत इंटरेस्टिंग वे में बना दिया, पहले से भी बढ़िया सुंदर एकदम से।
वॉइस इफेक्ट्स और स्क्रीन के साथ और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ इस तरीके से रहना सहना थोड़ा उस बारे में थोड़ी सी झलक दिखाई दी। अच्छा यहाँ पे फन साइड हमें बहुत सारी कुछ एक्टिविटीज दी हैं और कुछ फन एलिमेंट्स जोड़े गए हैं साइंस के तहत, तो देखिए क्या एक्टिविटी फ्री ही नहीं है यहाँ पे। तो ये वाला ट्राई करते हैं, शायद हमसे ये वाला हो जाए। ओके
Villages, towns, cities in search of security. But आज का दिन और हमारी हो चुकी पूरी साइंस सेंटर की हमारी जो जर्नी थी ट्रिप थी कम्प्लीट और अभी हम निकलेंगे घर के लिए करूँगी मैं कैब और चलेंगे वापसी घर के लिए. तो कैसा लगा आपको ये पूरा ब्लॉग आप ज़रूर बताइएगा और मेरी कोशिश पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि कैसा रहा आज का ब्लॉग. तो चलते हैं वापसी घर की तरफ, मिलते हैं कल फिर से किसी नए ब्लॉग.